अभी होगा हमारा फोटो पोज, पहले सिंगल सिंगल या ग्रुप? पहले ग्रुप ले ले रहे हैं, पहले सिंगल ले लो सबका। उसका फोटो अच्छा लेते हैं तो वो बाद में घर जाने के बाद फिर पछताओगे। अच्छा। जो तुम लाए तो बड़ा पछताओगे। और वहाँ पर हो रहा है फोटो पोज और ये है हमारा कैमरा मैन, तो फोटो लेने के बाद में वो लोग पछताएंगे क्योंकि फोटो जो लेते हैं हमारे मिस्टर जीत के पापा। और ये देखिए वो मतलब मन खुश, मतलब हाँ ये है ड्रीम हाउस, आप कह सकते हैं ये है ड्रीम हाउस। ड्रीम हाउस ही है, इतना सुंदर अगर नज़ारा हो तो सबका ड्रीम हाउस हो सकता है। ये है ड्रीम हाउस, मेरा भी जीत के पापा का भी, दोनों का ही, मतलब नेचर से थोड़ा नेचर के पास ऐसा घर हो तो क्या बोले। बहुत एंजॉय कर रहा है यहाँ पे, ये जो व्यू मतलब इतना अच्छा व्यू है ना, बहुत अच्छा व्यू, बहुत ही ज्यादा अच्छा, बहुत ड्रीम हाउस बोल सकते हैं ना हम इसको, ड्रीम हाउस है ना, ड्रीम हाउस वही नेचर के पास, नेचर ओह माय गॉड। तो चलिए सुंदर सा विला का टूर करते हैं और ये है आउटसाइड से, तो ये इसलिए भी ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि ये है रिवर साइड में, मतलब आप आगे की तरफ से भी रिवर का व्यू ले सकते हैं और ये जो पीछे की तरफ से भी आप रिवर का व्यू ले सकते हैं, इसीलिए भी मैं इस विला को अपना ड्रीम हाउस बोल रही हूँ। तो चलिए ये ग्राउंड फ्लोर में भी है और फर्स्ट फ्लोर में है, तो चलिए पहले नीचे की ओर जाते हैं। और अभी ना सभी फ्रेंड्स आए नहीं है, कुछ आए हैं जो ऊपर है। और ये देखिए ये ग्राउंड फ्लोर का जो हॉल है, ये लिविंग एरिया है और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा है, बहुत बड़ा है, बहुत सारे काउच है। और ये ना 8 बेडरूम वाला है जो विला, तो ये पहला जो बेडरूम है। और अभी सभी फ्रेंड्स आए नहीं है तो कौन किस रूम में रहते हैं पता नहीं। तो ये देखिए ये जो फर्स्ट बेडरूम ये है और सभी बेडरूम में ना अटैच जो टॉयलेट भी है। और ये बहुत ही खूबसूरत सा, मुझे तो बहुत ही खूबसूरत सा लगा, ये सभी बेडरूम बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ पर सामने ही है और एक बेडरूम और यहाँ पर है बंक बेड्स, तो ये तो बच्चों का फेवरेट है। अभी चारों बच्चे आए नहीं है, आने के बाद तो इन लोगों का ही, मतलब ये रूम ही उन लोगों का हो जाएगा प्ले रूम, बहुत ही फेवरेट है सभी बच्चों का ये बंक बेड। वाह, और ये है रूम नंबर 3 और ये भी बहुत ही खूबसूरत सा है, छोटा सा है लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा है रूम, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सभी रूम। ये है और एक बेडरूम, रूम नंबर 4 और ये भी बहुत ही क्यूट सा रूम है, बहुत ही सुंदर सा, देखिए बहुत ही सुंदर, मुझे तो बहुत ही सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है, हर एक बेडरूम मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत सा। और इस साइड में है आपका लॉन्ड्री, वॉशिंग मशीन है, ड्रायर है। और इधर चलते हैं कॉर्नर में जो लास्ट वाली है आपका रूम, रूम नंबर 5 और हर रूम में टच है आपका टॉयलेट है, बाथरूम है। और ये सबसे कॉर्नर वाली जो है रूम, और मुझे लगता है ये रूम बहुत ही अच्छी होने वाली है क्योंकि यहाँ से जो विंडो से ना रिवर साइड व्यू दिखेगा दिन के टाइम, अभी तो रात के टाइम है, तो यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू होने वाली है, दिखने वाली है, तो मुझे लगता है ये वाली जो रूम हमें लेना चाहिए। तो अभी तो रात के टाइम आते आते मैंने ना सूट कर लिया क्योंकि उसके बाद ना पूरा बेड वो थोड़ा ये बेसी टाइप का हो जाएगा, इतना जैसा सेट किया हुआ है वैसा नहीं रहेगा। तो चलिए अभी चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की ओर, यहाँ पे नीचे ग्राउंड फ्लोर में 5 जो है बेडरूम्स था, अभी चलते हैं ऊपर, वहाँ पर भी है 4 या 5 पता नहीं कितना बेडरूम्स है, तो चलिए ऊपर चलते हैं। और ये है रूम नंबर 6 और यहाँ पर 2 सिंगल बेड है और इस रूम में हमारे जो मासी माँ है, 2 मासी माँ वो लोग यहाँ पर रहेंगे क्योंकि हम लोग जहाँ पर भी जाते हैं ट्रिप में 2 मासी माँ एक ही रूम में सोते हैं, चाहे वो वहाँ पर बेड 1 हो या बेड 2 हो, तो ये रूम तो
दो मासी माओं के लिए है, और यहाँ पर भी है अटैच बाथरूम। तो ये रूम भी बहुत ही क्यूट सा था। और ये है रूम नंबर 7। तो ये इस विला का मुझे लगता है मास्टर बेडरूम है, और यहाँ से भी ये भी कॉर्नर का रूम है। तो यहाँ से भी जो व्यू दिन के टाइम रिवर साइड व्यू बहुत ही सुंदर दिखने वाली है, क्योंकि ये भी ऊपर है। नीचे जो कॉर्नर वाली रूम थी, और ये जो फर्स्ट फ्लोर में कॉर्नर में है, और यहाँ पर भी है आपका अटैच बाथरूम। बहुत ही खूबसूरत सा बाथरूम है। और ये है रूम नंबर 8। तो यहाँ पर जो छोटी हमारी बच्ची है वो सो रही है, तो वहाँ पर मैं नहीं जाऊँगी, अभी डिस्टर्ब करूँगी। और चलिए अभी किचन की ओर। और ये है एक ह्यूज सा किचन, क्योंकि इतना बड़ा विला है तो उनका जो किचन होगा वो भी थोड़ा ह्यूज सा ही होगा। तो अभी सुबह के टाइम में ये शूट कर रही हूँ, तो अभी थोड़ा सा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, और लेकिन जो किचन है बहुत ही खूबसूरत सा है, बहुत ही बड़ा है। ये रूम लिया, और यहाँ से जो व्यू होगा रिवर का बहुत ही खूबसूरत होगा, तो इसलिए ये रूम सिलेक्ट किया। और देखिए बहुत ही खूबसूरत रूम है, बारबेक्यू ना, ये है बारबेक्यू एरिया, यहाँ पर बारबेक्यू करते हैं। जो नॉन वेज खाते हैं वेज भी कर सकते हैं। यहाँ पर बैठने के लिए है, और यहाँ से भी वो है। ये है व्यू लवर मिस्टर अनूप दास। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल, सब कुछ अच्छा, बहुत ही सच में। हाँ, हॉकिंग्स रिवर ना, यही रिवर हमारा जो घर से मतलब रूम से यही रिवर का व्यू हम लोग ले रहे हैं। और व्यू देखिए, आओ 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 मिस ब्यूटी क्वीन, ओ मिस आ जाइए आ जाइए। ये है मिस ब्यूटी क्वीन, ये भी मिस ब्यूटी क्वीन, आ क्वीन, ओहो हो। तो यहाँ पर है जीत के पापा, और जितनी भी बार हम लोग घूमने जाते थे तो जीत के पापा क्या सुबह सुबह निकल जाते हैं मतलब घूमने, और इस बार मतलब इतनी खूबसूरत जगह है ये, और हमारा जो ये कॉटेज है ये सुबह से निकले ही नहीं, यहीं पर मतलब जो व्यू का आनंद ले रहे हैं। और वही बात कह रहे हैं हम लोग कि ऐसा पहली बार हुआ कि घर से मतलब यहाँ से रूम से ही निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। ये देखिए, ये है आपका जो फर्स्ट फ्लोर, वहाँ का जो ये बालकनी है, और ऊपर का भी दिखाया आप लोगों को, तो बहुत ही अच्छा व्यू है, मतलब मन ही नहीं कर रहा घर जाने को, है ना। तो बहुत ही, और दो दिन अगर एक्सटेंड हो सकता था तो करते, लेकिन अभी जो है ना अभी होगा नहीं ये, क्योंकि इसी घर को 4 या 5 महीने पहले ही बुक किए तब जाकर ये घर मिला, तो अभी ऐसा एक्सटेंड नहीं होगा क्योंकि बुकिंग है ऑलरेडी। तो वही, और अभी हम लोग जाएंगे घूमने, लेकिन घूमने जाना मतलब क्या, यही इसी चीज़ को किसी को फिर वहाँ से और एक नीचे भी जा सकते हैं। तो चलिए थोड़ा नीचे भी जाते हैं। तो ये देखिए, अभी मैं नीचे आ गई हूँ, और नीचे से देखिए ये विला कैसे दिखता है। तो मुझे ना ये विला इसलिए अच्छी नहीं लगी, ये बहुत ही बड़ी है, मुझे ये विला इसलिए अच्छी लगी क्योंकि ये रिवर साइड में है ये विला, और व्यू यहाँ से मतलब हर कोने से जो व्यू दिखता है अमेजिंग, मतलब अगर आप घर के बाहर जाए तब भी वो रिवर साइड व्यू दिखता है, अगर आप बालकोनी में खड़े हो तब भी, आप विंडो में खड़े हो तब भी, मतलब हर कोने से व्यू अमेजिंग व्यू, इसीलिए मुझे ये विला बहुत अच्छी लग रही है, और इसीलिए मैं इसको बोल रही हूँ अपना ड्रीम हाउस। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी वेकेशन का नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।